हेलो वेलकम, सुस्वागतम। तो आज का हमारा व्लॉग है, जैसा कि आप देख रहे हैं, गुरुबालपुरी आश्रम। ये आश्रम सिंध के कोहिस्तानी इलाके में वाकई है, कहीं पहाड़ तो कहीं रेगिस्तान, बहुत ही खूबसूरत इलाका है ये। तो हम आश्रम पहुंच चुके हैं। ये है रुचि का आश्रम। ये आश्रम का खूबसूरत एंट्रेंस। चलिए अंदर चलते हैं। सिंध के कोहिस्तान का ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है, जहाँ एक बार आएंगे तो हमारा दिल करेगा कि बार बार आए, और यकीन हम दोबारा भी जरूर आएंगे। Thank you.
से आई है ना। महात्मा के कोई कोने तो अच्छा लगा ही नहीं। हाँ नहीं सुठी जगह है सफल जो मुश्किल तो हमें को लगता है ना और आई सकी जी बिसर को क्या रांचो हल हल ना बस आ रही कैसा लग रहा है अच्छा। कितना अच्छा बहुत अच्छा मजा आ रहा है फिर से आएंगे हाँ। दोबारा आएंगे जरूर ठीक है ना आपको हम दिखाते हैं इसका पानी का सोर्स क्या है ये यहाँ से आ रहा है ये देखिए पहाड़ी है चलते अब हम उस मंदिर चलेंगे अंशु पानी पी लो थोड़ा अंशु को यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आया बहुत अच्छा लग रहा है अंशु को हाँ स्किन अच्छी होगी इतना मेरी भी अच्छी होगी मैंने भी मुंह धोया है मैंने थारा टूर कामयाब घेरो है मैंने देख लिया था फ्रॉग में जो तो रंशु बाय बाय फ्रॉग फ्रॉग को बाय बाय करो बाय बाय आजा हमें आगे ना आश्रम की तरफ वापस जा रहे हैं thank you.
बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, बहुत ही आनंद महसूस हुआ। अब हम आश्रम से निकल चुके हैं बाहर। और अब हमें एक और जगह विजिट करनी है। चलिए आप भी चलिए साथ, आपको भी ले चलते हैं। तो अब आ चुके हैं हम यहाँ पर, हमें बताएगा कि ये उसी आश्रम की ब्रांच है। ये भी बहुत ही सुंदर और शांत जगह है। अंशु हाथ दो। अब हम वापस चलेंगे। तो इस तरह हमारा ये खूबसूरत सफर समाप्त होने वाला है। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, और आपको भी देख के यकीन अच्छा लगा होगा। अब हम वापसी जा रहे हैं घर की तरफ, और ये आ गया है बाईपास।